अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे तकरीबन 2 मंथ हो चुके हैं LG V60 को यूज़ करते हुए और अभी तक मैंने इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स नोटिस किए हैं और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि कोई और कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करती, उसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज़ करना पड़ता है। तो अगर आप इस मोबाइल को लेने का सोच रहे हैं या इसको बाय कर चुके हैं तो इन फीचर्स को आपको डेफिनेटली एक दफ़ा देख लेना चाहिए ताकि आपका इस मोबाइल के साथ एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो सके। तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं अपने पहले फीचर की जिसका नाम है वाईफाई शेयर। बेसिकली इस फीचर को आप 2 जगहों पे यूज कर सकते हो, जैसा कि आपके घर में अगर कोई वाईफाई लगा हुआ है तो उसकी रेंज बढ़ाने के लिए आप इस फीचर को यूज कर सकते हो, अपने मोबाइल को एज अ वाईफाई एक्सटेंडर यूज कर सकते हो। इससे ये मोबाइल सिग्नल्स को पिक करके आगे प्रोवाइड करता है। दूसरा यूज ये है कि कभी कभी कुछ ऐसे लोग हमसे वाईफाई का पासवर्ड मांग लेते हैं जिनको ना चाहते हुए भी हमें वाईफाई देना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में आप इस वाईफाई शेयरिंग वाले ऑप्शन को अगर आप इनेबल कर लेते हो तो आप अपने वाईफाई का हॉटस्पॉट अगले बंदे के साथ शेयर कर सकते हो, जिससे आप अपने वाईफाई का पासवर्ड तो नहीं अगले बंदे को बताओगे लेकिन आप अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन करके अपने मोबाइल का पासवर्ड जब अगले बंदे के साथ शेयर करोगे तो आपका वाईफाई उस बंदे से महफूज रहेगा और आप जब मर्जी अपने हॉटस्पॉट को बंद करके अगले बंदे का वाईफाई कभी भी बंद कर सकते हो। इस फीचर को इनेबल करने के लिए आप लोगों ने चले जाना है सीधा नेटवर्क एंड इंटरनेट पे, यहाँ पे थ्रेटिंग एंड मोबाइल हॉटस्पॉट, और यहाँ मोबाइल हॉटस्पॉट में आकर आपको ये फीचर मिल जाएगा। दूसरे नंबर पर जो फीचर आता है उसका नाम है ब्रीफ नोटिफिकेशन। लोग इस फीचर को यूज करने के लिए प्ले स्टोर का रुख करते हैं लेकिन LG में ये फीचर हमें बिल्ट इन मिल जाता है। फीचर को इनेबल करने के लिए आप लोगों ने चले जाना है सीधा सेटिंग्स में, यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है और ब्रीफ नोटिफिकेशन में जाके इसको इनेबल कर देना है। इससे ही आपका फीचर इनेबल हो जाएगा। अक्सर लोगों को ऐप्स के ऊपर ये नंबर्स इरिटेट करते हैं तो आप इन्हें हाइड कर सकते हैं या विदाउट नंबर शो भी करवा सकते हैं इस फीचर के जरिए। अपनी बात करूं तो ये फीचर मेरे बहुत ज्यादा काम का है, बताता हूं कैसे। यहां से आप अपनी जितनी भी नोटिफिकेशंस है उनकी हिस्ट्री को आप चेक कर सकते हो। होता गया है कि जल्दबाजी में हम कभी कभी अपनी नोटिफिकेशंस को ऑल क्लियर कर देते हैं, तो उन्हें दोबारा एक्सेस करने के लिए इस फीचर को आप यूज कर सकते हो। और उसी के साथ साथ अगर आपको कोई बंदा व्हाट्सएप पर मैसेज करके उसको डिलीट कर देता है तो आप उस मैसेज को नोटिफिकेशन हिस्ट्री से दोबारा रीड कर सकते हो, लेकिन यहां से आप उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग को नहीं सुन सकते, सिर्फ मैसेजेस को आप कर सकते हो। अक्सर हमें मल्टीपल टास्किंग करनी होती है तो ऐसी सिचुएशन में ये दोनों फीचर्स आपके बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। यहीं पर आपको मल्टी विंडो और पॉपअप विंडो दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। इस मोबाइल में आपको बहुत सारे ऑलवेज और डिस्प्ले के थीम मिल जाते हैं जिनको आप चाहो तो ऐसे ही यूज कर सकते हो या फिर इनको कस्टमाइज भी कर सकते हो अपनी मर्जी से। और ये फीचर आपको ऑलवेज शो पर भी मिल जाता है और 10 सेकंड के लिए भी मिल जाता है। इन दोनों फीचर्स को आपने विजुअल एक्सपीरियंस को इनहेंस करने के लिए लाजमी से इनेबल करना है। ये दोनों फीचर्स आपको डिस्प्ले वाले सेक्शन में मिल जाएंगे, इससे आपके वीडियो में कलर वाइब्रेंट और डिस्प्ले थोड़ा और ब्राइट हो जाएगा। इस मोबाइल में हमें टोटल 3 फिंगरप्रिंट इफेक्ट मिल जाते हैं जिनको यूज करने के लिए आप लोगों ने लॉक स्क्रीन में चले जाना है और फिंगरप्रिंट पर चले जाना है और यहाँ नीचे आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। हमें LG के मोबाइल में कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन नहीं मिलती बल्कि सेटिंग्स में जाकर स्मार्ट क्लीनिंग का ऑप्शन मिलता है जहाँ से आप स्कैनिंग वगैरह या डाटा वगैरह डिलीट कर सकते हो। इसके गेमिंग मोड में कुछ चीजें मिसिंग लगती है, होप सो कि नेक्स्ट अपडेट में कुछ नया फीचर ये लोग ऐड कर दे। इसमें बस आपने ग्राफिक्स को हाई और फ्रेम रेट को हाइपर सेट कर देना और दैट्स इट। गेम मोड के बिल्कुल नीचे ही आपको ये फीचर मिल जाता है। इसमें दिक्कत यह है कि ये सिर्फ कुछ ही एप्लीकेशंस को डबल करता है, जैसा कि आप देख सकते हो ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ऐसी एप्लीकेशंस को ये डुअल एप्स कर सकता है। ये फीचर बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, बस इसका इस मोबाइल में नेम चेंज कर दिया गया है। अगर आप इस फीचर को यूज़ करते हैं तो इस फीचर को आप इनेबल कर सकते हो। ये फीचर आपको बैटरी वाले सेक्शन में मिल जाता है, इससे आपकी बैटरी की परफॉर्मेंस अच्छी और बैकग्राउंड में यूज होने वाली जितनी एक्टिविटीज़ है उनको ये क्लोज कर देता है। कैश डाटा एक ऐसी बीमारी है जो कि हमें 2-3 हफ्ते में या कम से कम 1 महीने में हमारा डाटा 5 से 6 GB इंक्रीज कर देती है, और इसको खाली करने के लिए एक एक करके तमाम एप्लीकेशंस का कैश डाटा डिलीट करना पड़ता है। लेकिन इस मोबाइल में हमें एक ही क्लिक में हम तमाम के तमाम एप्लीकेशंस का कैश डाटा डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको चले जाना है सीधा स्टोरेज पे, यहाँ पे फ्री अप स्पेस पर टेम्परेरी फाइल्स एंड देन कैश डाटा डिलीट। यहाँ से आप अपने तमाम कैश डाटा को एक ही क्लिक में डिलीट कर सकते।
सकते। ऐप हाइड वाला फीचर तकरीबन सभी फोन से प्रोवाइड करना शुरू हो गए हैं, लेकिन इनको यूज करने का तरीका सभी फोन में डिफरेंट है। बस एप्लीकेशन को हाइड करने के बाद आप उस एप्लीकेशन को यूज नहीं कर सकते, उसको यूज करने के लिए दोबारा से आपको अनहाइड करना है, देन आप उस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। यार ये फीचर लिटरली मैंने किसी और मोबाइल में नहीं देखा। आप लोग इस फीचर को अलार्म में जाकर यूज़ कर सकते हो। जैसे ही आपने अलार्म सेट करना है, उसके बाद अलार्म बजर का ऑप्शन मिल रहा होगा नीचे वाली साइड पे, इसको आपने इनेबल कर देना है। जिसके बाद जब भी आपका अलार्म बजेगा, ऊपर एक पजल शो होगा, उस पजल को सॉल्व करने के बाद आपका अलार्म ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। मैंने LG के मोबाइल पर कम्प्लीट रिव्यू दिया हुआ है, इसका कैमरा, इसकी गेमिंग की भी एक अलग से वीडियो बना रखी है, और इसके अंदर एक मसला भी फेस करने को मिला था जिसके लिए मुझे मार्केट का रुख करना पड़ा। मैंने वो सारी की सारी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। अगर आपने ये वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इन वीडियोस को आप जरूर वॉच करें अगर आप इस मोबाइल को खरीदने का सोच रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।